बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नंबर्स पे हाइपर फोकस्ड होते हैं, वो सारी चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली ट्रैक करते हैं नंबर्स में, और फिर उन नंबर्स पे बेस करके अपने सारे डिसीजंस लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। परंतु एक बात जो आप ओवरलुक कर सकते हो, जिसका आप नज़रअंदाज कर सकते हो जब आप हाइपर फोकस्ड होते हैं नंबर्स पे, वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नंबर्स में क्वांटिफाई हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप एग्ज़ाम्पल लें तो हैप्पीनेस है, खुशी जो है, आपकी खुशी आप नंबर्स में क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आप ऐसे ट्रैक नहीं कर सकते भाई इस दिन इतना खुश है, इस दिन इतना खुश है, अब वो नहीं हो सकता है ना। तो वैसे ही एक और एग्ज़ाम्पल ले तो सेटिस्फैक्शन, आप कितने सेटिस्फाइड हो, वो भी आप नंबर्स में ट्रैक नहीं कर सकते। एक और चीज़ है डायरेक्शन और पर्पस आपकी लाइफ का, आप ये नहीं ट्रैक कर सकते कि आपकी डायरेक्शन सही है गलत है या कैसी होनी चाहिए, ट्रैक नहीं हो सकता। पर्पस भी आपका ट्रैक नहीं हो सकता कि आपका लाइफ में पर्पस क्या है, मिशन क्या है, वो नंबर्स में ट्रैक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, हैप्पीनेस हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया, पर्पस हो गया, डायरेक्शन हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पर इनको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इससे क्या होता है कि बहुत बार क्योंकि ये नंबर्स में रिप्रेजेंटेड नहीं है, आप इन चीज़ों को ओवरलुक कर देते हो और उन चीज़ों के पीछे जाते हो जो नंबर्स में रिप्रेजेंटेड हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी, नहीं तो फिर आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों से अपना फोकस हटा दोगे और जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें, कम इंपॉर्टेंट है पर वो नंबर्स में, उन पर ज़्यादा फोकस लगाओगे। तो इसलिए नंबर्स पे हाइपर फोकस मत रहो, और ये जान के रखो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या असलियत में और उस पर आप कैसा कर रहे हो, क्योंकि वो नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं हो सकती।